गुड मॉर्निंग गाइस, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज है संडे, आज की मॉर्निंग हमारी बहुत ही लेजी हुई है बिकॉज टाइम देखो कितना हो रहा है, 11:30 हो गए हैं। 10:30 बजे मैं उठी थी, नन्नू तो अभी उठा है एंड मैंने घर का सारा काम कर लिया, सारा काम हो गया है। बर्तन तो मैं रात को करके सोती हूँ तो इनको भी लगाऊंगी। रात को इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, गीले गीले बर्तन लगाओ तो स्मेल हो जाती है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ। और मॉपिंग मैं आजकल कैसे कर रही हूँ आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने पूरे घर में मैट बिछा रखे हैं, इधर भी अंदर भी, तो एक दिन क्या करती हूँ, सारे मैट निकाल के उनको डस्ट आउट करके फिर मैं मॉपिंग करती हूँ, और एक दिन मैं ऐसे मैट को ऊपर करके फिर कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी भी हो जाता है, वैसे तो गंदा नहीं होता मेरा घर, और जब गंदा मुझे लगता है तो पूरा मैट को निकाल के फिर कर लेती हूँ। मतलब एक दिन छोड़ के मेरा है कि करना ही करना है, ठीक है। अभी तो काम हो चुका है, मैंने शावर ले लिया है, नन्नू ने शावर नहीं लिया क्योंकि नन्नू अभी उठा है, तो इसके लिए मैं कर रही हूँ दूध गरम। और आजकल क्या हो रहा है कि मैं इसके साथ पी रही हूँ ना, तो ये आराम से प्रॉपर अच्छे से पूरा पी रहा है, नहीं तो ये पूरा दूध पीता ही नहीं, आधा छोड़ देता। मतलब बॉटल में देती हूँ और रात को ये बॉटल में लेता, सुबह ये कप में लेने लगा है तो मेरे साथ ये पी लेता है। तो बस मैं दूध गर्म कर रही हूँ और इसी के साथ मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। स्टार्टिंग में आपने देखा धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, कल निकली थी 4 दिन के बाद और आज फिर नहीं निकली है। ठंडा मौसम इतना हो रहा है कि रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता और व्लॉग भी मेरा रह जाता है। कल भी मैंने व्लॉग नहीं किया था बिकॉज कल मैंने कपड़े धोए थे और कपड़े धोने के चक्कर में मैंने व्लॉग नहीं किया। मुझे ये था कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में तो नहीं करते, आज कपड़े धोते हैं और बस कल पूरा दिन कपड़े धो लेते हैं। और ये देखो अभी क्या कर रहा है, नन्नू से हाय। हाय हाय, देख इसने इसमें सौंफ डाली, सौंफ रेस्टोरेंट से चोरी करके आता है ये सौंफ और होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो ब्लॉग को एंड तक देखना। मैं आज में बताने वाली हूँ कि मैं क्या लेने वाली हूँ और आप लोगों के सजेशन लेने वाली हूँ बिकॉज मैं बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, बहुत ज्यादा। इसको मैंने दे दिया है दूध विदाउट चीनी वाला, साथ में है पिनिया, आ जाइए दूध पी लीजिए। आज आपको फर्स्ट टाइम दूध पीती हुई दिखाई दे रही होगी ना ब्लॉग में, बिकॉज मैं दूध बहुत कम पीती हूँ, अब इसके बहाने पीने लगी हूँ। लैपटॉप, इसको लैपटॉप दूध ऐसे पी ले फिर लैपटॉप दूंगी जल्दी से। और हमने इसका अब इसको चीनी का पीना है, ड्रामे इसके स्टार्ट हो जाते हैं। और इसको ना ले ये वाला पी ले। और इसको हमने फोन दे रहा बंद कर दिया है, 2 दिन से नहीं ले रहा है। अब तो वो तो मुंह से आ गया। तो बस अंदर का बेड भी क्लीन मैंने कर लिया है और सारे टॉयज इस लड़के ने खिंडा के रख दिए थे। और ये सामने आप देख रहे हो ना, ये है रजाई के कवर और एक ब्लैंकेट का कवर है, ये वाला नीचे जो आप देख रहे हो। एक्चुअली इसको कराना है, आज ये ट्रैकिंग के लिए चला जाएगा, फिर मैं ये कवर चढ़ाऊंगी इसको और इसको एक साथ ही चढ़ा दूंगी। हेल्प चाहिए होती है हस्बैंड की, हस्बैंड जब आएंगे तब करवाऊंगी। निकाले अब बनाइए, ये देखो लग रहा है ये 2 मिनट में ऐसे धजिया उड़ा देगा, पूरी धजिया
पता नहीं चलेगा कि भैया मैंने क्लीनिंग करी है। अब भी जस्ट एक मिनट होया है और सारा ही इसने गंदा कर दिया है। एनीवेज चलो मैं बनाती हूँ अभी ब्रेकफास्ट। हमारा ब्रेकफास्ट प्लस लंच होगा, टाइम हो गया है 12:30। और क्या खाना है? मेरे को आलू का परांठा। आलू का परांठा, आलू बॉईल करने के लिए रखती हूँ फिर मैं। सो हाँ, यहाँ पर मैं बना रही हूँ अजवाइन के परोंठे, अजवाइन और काली मिर्च के। वैसे तो नन्नू ने मुझे बोला था कि आलू के परोंठे बनाने के लिए, बट आलू जो है ना थे ही नहीं, सिर्फ दो ही आलू पड़े थे। तो मुझे ये था कि दो आलू बॉईल करूँगी, ना उसको पूरे होंगे ना मुझे पूरे होंगे। फिर मैं सोचा चलो इसी के बनाते हैं, अजवाइन और काली मिर्च के। और काली मिर्च तो वैसे ही विंटर्स में बहुत ही अच्छी होती है खाना, और वैसे तो नन्नू खाएगा नहीं, तो इसीलिए परोंठे बना रही हूँ और साथ में चाय रख दी है। एंड आपको पता ही है कि आज का दिन हमारा बहुत लेट स्टार्ट हुआ, तो ये हमारा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ हो रहा है। बिकॉज हमने दूध पी लिया था तो इतनी भूख भी नहीं थी, उसके साथ हमने पिन्नी भी खा ली थी ना, तो पेट वैसे भी भर गया था। और ऐसा कभी कभी होता रहता है, लेज़ी दिन मोस्टली मेरे साथ तो होता ही है, कई बार लेट हो जाती हूँ। और अभी ना जितना नन्नू रेस्ट ले सकता है ले, मैं भी ले ही लूँ उसके साथ में, मैं भी अपना फ़ायदा उठा लेती हूँ। बिकॉज जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो बिल्कुल रूटीन बन जाएगा हमारा, जल्दी उठना जल्दी जाना, सो बहुत चीज़ें हो जाती है ना, तो बन जाएगा रूटीन धीरे धीरे उसका। वैसे ऐसा नहीं है कि उसको जल्दी उठाओ तो उठता नहीं, उठ जाता है। हम इन लॉज जाते हैं तो वहाँ जल्दी उठ जाते हैं, तो वहाँ पर आराम से हमारी नींद खुल जाती है। तो वही है कि जैसी हैबिट बनाओ तो बन जाती है। तो अभी मेरे को ये है कि जितना वो सो सकता है और उसके साथ में जितना सो सकती तो सोऊँ, जब तो स्कूल जाएगा तो जाएगा और तभी रूटीन बन जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पर आपसे बातें करते करते मेरे जो परोंठे हैं बन गए। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, 5:45 हो रहे हैं और मैं उतार रही हूँ कपड़े जो मैंने कल वॉश किए थे, और इसमें से भी कुछ सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं, जो सूख गए हैं वो उतार रही हूँ, बाकी खड़े रहेंगे, आज धूप ही नहीं निकली ना अच्छे से। अच्छा, मैंने यहाँ पर कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि मैंने दिन में नन्नू को नहलाया था, उसने मेरे को सारा ही गीला कर दिया, जिस वजह से मैंने कपड़े चेंज करे और फिर मैं रेडी भी हो गई। मेकअप सूट डाला तो थोड़ा सा रेडी भी हो जाते हैं। और मैंने दिन में जब हम खाना खाते आप लोगों से बातें भी करी थी, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, देख लो कभी कभार ऐसा पोपट भी हो जाता है। और यहाँ पर नन्नू की चल रही है मस्ती, डांस कर रहा है, सॉन्ग चल रहा था लेकिन मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट दे देता भाई यूट्यूब, तो वैसे ही देख लो आप इसका डांस कैसे कर रहा है। हम नहीं गए गुरुद्वारे, संडे था नहीं गए। और नन्नू का डांस देखा आपने कैसा था? नन्नू ने कैसा डांस किया सबसे पूछो? अच्छा डांस किया, और कपड़े मैंने वहां रख दिए, कल धोए थे कपड़े। और अभी मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े, क्योंकि ठंड हो रही है, पकौड़े का मजा लेते हैं। मैं बनाऊंगी आज पालक के पकौड़े, आलू एक ही पड़ा है, तभी मैंने सुबह मॉर्निंग में ना खास के देखो आलू के परौंठे नहीं बनाए थे, और प्याज के पी नहीं इसने, कह रहे पापा आके पिलाएंगे। लाओ वो पानी वाला स्टीम जो इसको, हाँ स्टीम वो लाए हो आप? वो नहीं देना कह रहे। अच्छा नॉर्मल दे दो, फिर रात को देंगे। विशाली भी कह रही थी कि रात को देना, बच्चे को छोटा बच्चा ना मत दो ऐसे, ठीक है समझ लो, रात को देनी पड़ेगी। गर्म पानी दे दो, हाँ मिक्स दे रही हूँ, शाम को ही रेडी होती हूँ। क्या दे दूँ? ये वाला। प्याज के पकोड़े खाओगे? गिलो पकोड़े। ठीक है। आराम से आराम से। चप्पल भी डाल ले घर पे, सूट डाल ले, चप्पल डाल लो। बेसन
का बैटर रेडी कर लिया। ये देखो इसमें बेसन है एक कटोरी और इसमें ऐड किया आधी आधी से बिल्कुल कम कटोरी सूजी ऐड करी है, जिससे कि ना पकौड़े जो है बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सी ये भी ठीक हो गया, ये देखो बैटर जो है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी, इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे बैटर को, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। और पीछे से ये बहुत शोर कर रहा है, तो अभी मैं वॉइस ओवर करने वाली हूँ। और हाँ, जाना मत कहीं पे भी, बताने वाली हूँ कि क्या लेना है मेरे को। बैटर में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च थोड़ी सी, और इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला और सूखा धनिया एंड स्वाद के अनुसार नमक, और बाकी आप जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। अगर आपको जीरा पसंद हो तो आप जीरा भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा वाइन डाल के मैंने बैटर को पतला कर दिया है, और बस इसमें आलू डिप करके हम बना लेंगे पकौड़े। और इस मौसम में कौन कौन बना रहा है अपने घर में पकौड़े, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, और दिल्ली NCR में तो भैया बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो चलो इन्जॉय करते हैं पकौड़े के साथ आज की शाम। तो आलू और प्याज के बन चुके हैं, लास्ट में मैं बना रही थी पालक के, तो पालक मैंने इसमें डाल दी है बैटर में, अच्छे से मिक्स करके बना लूँगी। लेकिन थोड़ी सी ना बैटर जो है पतला हो गया था, बिकॉज मैंने पालक में से अच्छे से पानी नहीं निकाला था। और मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी पालक के पकौड़े, ना मैं पालक के परोंठे बोल रही हूँ, पकौड़े मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। तो नेक्स्ट टाइम हम पानी अच्छे से इसमें से निकालेंगे फिर बनाएंगे। तो ये लीजिए मेरे पकौड़े बन के तैयार हैं। सी अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। तो आप लोग आ जाइए चाय और साथ में पकोड़े खा लीजिए, और बताइएगा ज़रूर कैसे बने हैं। तो पकोड़े बन चुके हैं, उसमें ही रह गई थी, बाकी सबने खा लिए। नन्नू ने खा लिए, इचकी ले रहा है, खा लिए नन्नू ने। पालक के तो खा लिए नन्नू, उसमें सारे प्याज के आ गया, आलू का। ये पालक के मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, टेढ़े मेढ़े बने हैं, क्योंकि ना इसमें पानी था, पानी निकालते हैं पहले इसमें से, मैंने धोई ना उसमें से पानी नहीं निकाला, थोड़ा सा रह गया था। चलो फर्स्ट टाइम बनाया, सेकंड टाइम अच्छे बनेंगे, टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। नन्नू कैसे बनते पकौड़े? गंदे। तू तो है ही गंदा, नन्नू गंदा है, सारे खा गए, हाँ सारे खा गए गंदे। टेस्टी बने आज, क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं ना। मेरी थ्रेडिंग देख, अभी बनवाई थी, लास्ट 7 days या 8 days हुए हैं, और ऐसे आती है ना जैसे एक्सप्रेस आ रही है, बहुत जल्दी आ जाती है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा आती है मेरी और जल्दी आती है। टाइम हो गया है 7:45, चाय पी ली है एंड बस अभी जाना है थोड़ी देर में, 7:30 तक जाऊँगी दोबारा से किचन में, खाना बनाना है, सब्जी मैं देखूँगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। एक पड़ी है कैप्सिकम, साथ में पालक पड़ी है, पालक दाल कोई खाएगा नहीं क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाई है, कभी नहीं बनाई पालक दाल। और आलू ख़त्म है, तो शिमला मिर्च कैसे बनाऊँ सिंगल, तो दाल ही ऑप्शन में है, या फिर राइस पुलाव बनाऊंगी। विंटर्स में ना पुलाव बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब गर्मा गर्म बनाओ ना, मतलब इधर खाया जाता है समर की बजाय, मतलब समर में इतना अच्छा लगता है जितना विंटर में अच्छा लगता है, किस किस को अच्छा लगता है सोचते हैं सोचते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे लेना है यूट्यूब से रिलेटेड कुछ, तो वो मुझे लेना है फ़ोन, जी हाँ, तो मुझे एक नया फ़ोन लेना है, जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, कभी किससे पूछ लूँ, कभी किससे पूछूँ, मतलब सबका मैंने दिमाग खा लिया है। सो एक टाइम पे सोचती हूँ कि वीवो लेना है, फिर दूसरे टाइम पे आ जाता है वन प्लस लेना है, तीसरे टाइम पे आ जाता है कि सैमसंग लेना है, मतलब MI वीवो वगैरह यही चल रहा है। तो बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत गंदी वाली। मैं ना लास्ट 2 weeks से घूम रही हूँ, कभी MI के स्टोर पे, कभी वीवो के स्टोर पे, कभी MI के स्टोर पे, कभी सैमसंग के स्टोर पे। तो लास्ट मैंने कल फाइनल किया कि मैं सैमसंग का लेती हूँ, बट उसमें भी ये प्रॉब्लम आ गई है कि भैया फ़िल्टर नहीं लगता, और आपको पता है बिना फ़िल्टर के जो वीडियो वो बहुत फीकी फीकी सी लगती है, ब्राइटनेस नहीं होती तो वीडियो में मज़ा ही नहीं आता। सैमसंग का कैमरा मुझे अच्छा लगा, मैंने सैमसंग का देखा है, दो फ़ोन देखे हैं, एक है सैमसंग A52 5G और एक है सैमसंग 20 5G, 20S 20FF 5G, ठीक है। तो
ये दोनों सैमसंग के देखे हैं, एक वन प्लस का देखा है, वन प्लस नोट टू और एक वन प्लस नोट सी ई कुछ करके है वो नाम, दो इसके देखे हैं। और वीवो का देखा है, वीवो एक्स 70 प्रो एक ये वाला देखा है। MI का मैं कल गई थी MI पे, बट मैंने कैमरा देखा लेकिन फ़ोन का नाम नहीं देखा मैंने। एक्चुअली मैं क्या देख रही हूँ वो मेन मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी मैं फ्रंट पे कैमरा, जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए। जैसे कि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वीडियो के चलते चलते साथ साथ ही बैक कैमरा हो जाए, तो वो मुझे किसी भी फ़ोन में नहीं मिला। लास्ट मुझे सैमसंग के फ़ोन में मिला, तो सैमसंग के फ़ोन में फ़िल्टर नहीं है। कैमरा अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बट मुझे ये है कि वहाँ की लाइटनिंग में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है फ़ोन, और घर आते आते पता चले उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही, मतलब ऐसा ना हो जाए वो फ़ोन 10,000 रुपये वाला। तो थोड़ा सा वहाँ मैं डाउन हो रही हूँ कि सैमसंग लूँ ना लूँ। वन प्लस में भी फ़िल्टर नहीं लगता है, बट उसमें कैमरा है कि मेरे को वीडियो रोक के ही बैक कैमरा करना पड़ेगा। वीवो में भी है कि मेरे को वीडियो मतलब ये सेव, जैसे फ्रंट पे बन रही है ये सेव करो फिर जाकर मुझे बैक कैमरा करना पड़ेगा। मतलब सब में सेम फीचर्स हैं, बट सैमसंग में है वो मुझे फ़ीचर मिल रहा है। तो इसी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, क्योंकि छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो बार बार चेंज नहीं हो पाएगी। पहले तो इतनी कंफ्यूज, ऊपर से ये चीज़ मेरे को किसने बोल दी, भाई कैमरा ले लो, इतना फ़ोन महंगा ले रही हो तो कैमरा ले लो, और कैमरे में जैसे कि क्वालिटी अच्छी आती है। तो फिर भैया अब तो मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई कि कैमरा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा। और कैमरे का क्या है ना, ऐसे बजट तो मेरा हो जाएगा कैमरे का भी, बट कैमरे में बहुत सी चीज़ें हो जाती है, SD कार्ड हो गया, लेंस हो गए, बैटरी हो गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरा बजट जो है ऊपर हो जाएगा। एंड आई नो कि उसमें क्वालिटी अच्छी आएगी, बट ना फिर मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी। एक चीज़ ये भी सोच रही हूँ, बिकॉज मैं इन लॉज जाती हूँ, मायके जाती हूँ, तो फिर मुझे लैपटॉप भी कैरी करना पड़ेगा, और क्या ही बोलूँ। तो बस बताइएगा ज़रूर कि मेरे को क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कैमरा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये भी बताना। एंड या मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। आई नो आप लोग जब कमेंट करोगे ना अपने थिंग के हिसाब से करोगे, और उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली हूँ, बट मैं आप लोगों के सजेशन लेना चाहती हूँ, और देखते हैं बाकी तो क्या होता है। अभी लास्ट मंथ है ईयर का, और इसमें सेल लगने वाली है, लगेगी सेल ऑब्वियसली, हर साल लगती है तो अभी भी लगेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मंथ एंड में ही लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बेनिफिट और हो जाएगा मेरा ना। तो यही छोटी सी बात थी जिसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, और आप लोगों को सस्पेंस में भी रखा। तो चलिए बताइएगा ज़रूर, और इसी के साथ मैं ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर देना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, और अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हमारे सामने फिर से आज शादी है और इतने ढोल वगैरह बज रहे हैं। तो कल मिलते हैं, बाय, लव यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।